हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सहकारी बैंकों में 4500 पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। और गाइस, इसमें सबसे अच्छी न्यूज़ यह है कि अब इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा यहां पर निर्णय लिया गया है। धांधली को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इंटरव्यू को हटा दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं आज आपसे इस वीडियो में कम्प्लीट डिस्कस करने वाला हूँ, फॉर्म कब से कब तक फिल होने वाली हैं, आप कहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस प्रकार से लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, तो कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ वीडियो में, अंत तक बने रहिए। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में खाली पड़े 4500 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर पहली बार चयन प्रक्रिया से इंटरव्यू का कॉलम हटा दिया गया है। पूर्व में इंटरव्यू से चयन होता था, जिससे 25 नंबर मिलते थे, ये विवादों में रहता था। 60% पद चयन से भरे जाएंगे और 40% पद आपकी सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है इंटरव्यू को हटा करके, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धांधली होती थी और जो स्टूडेंट कैपेबल होते थे, योग्य होते थे, वह यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होकर के जो घूस दे करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए जाते थे। तो गाइस, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब इसके बारे में बात करने वाला हूँ, फॉर्म कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, इसका जो नोटिफिकेशन आया आपका 15/11/2022 की डेट में लेटेस्ट में आया है। आपका जो पद के नाम रहने वाले हैं, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक। फॉर्म की अंतिम तिथि रहने वाली है 30/11/2022, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप इसका फॉर्म जो apexbank.in की वेबसाइट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही अच्छी यहां पर भर्ती रहने वाली है। तो गाइस, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। गाइस, इससे रिगार्डिंग आपको और कोई न्यूज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो। आगे बात करते हैं, जो भर्तियाँ मध्य प्रदेश में रुकी हुई थी उनका जो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो चुका है। आरक्षण की वजह से काफ़ी भर्तियाँ अटकी हुई थी, अब उनका जो रास्ता क्लियर हो चुका है। अब आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। OBC को 27%, EWS को 10%, ST को 20% और SC को 16% आरक्षण के तहत यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो गाइस, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सभी स्टूडेंट के लिए। जैसा आप सभी ने देख लिया होगा कि MP पुलिस में आपका इसी आरक्षण बेस पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो गाइस, सब भर्तियाँ आना स्टार्ट हो चुका है, लगभग सभी भर्तियाँ आपकी वन बाई वन करके आने वाली हैं। तो गाइस, आपको बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जैसे ही न्यू वैकेंसी आएगी सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।